दो टिकट है, एक पार्किंग है। जिसने दो गज की दूरी और मास्क अपनाया, सही मायने में उस परिवार ने पर्यटन का लुत्फ उठाया। सही बात है भाई, आराम से उतर। हाँ हम दफ्तर रहते हैं। ठीक, यहाँ से वहाँ दफ्तर रहते, यहाँ लगाएगा उधर वाला हम नहीं देखते। कहाँ है हम लोग जी? पेट्रो फॉल्स। क्या है यहाँ पे? यहाँ पे कुछ फॉल्स है, अभी जाएंगे तो पता चलेगा, अभी पता नहीं है। पानी और कोल्ड ड्रिंक का बॉटल लेके निकले हैं, बहुत धूप लग रहा है यहाँ पे। अच्छा तो क्या टाइम करने का सकते? अच्छा तो 500 सीढ़ियाँ चढ़नी है। 500 नहीं चढ़नी है, 750 है। 750 सीढ़ी नीचे जाना है और 750 मतलब 750 नीचे जाना है। नीचे 750 सीढ़ी है, नीचे जाना है और ऊपर आना है। नीचे और ऊपर दोनों मिला के 1500 सीढ़ी हो जाएगा। हाँ चल लेंगे, 750 सीढ़ी। क्या है क्या है? झारखंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। मार्च इस सीढ़ी पे चढ़ने पे कोई थके नहीं। हम लोग सीढ़ी उतरने के लिए आए हैं। हम कह सकते हैं कि जो हुंडरू फॉल्स है, नीचे जा करके अभी पानी वानी कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि सूखा पड़ गया, मार्च का सीजन है। और ये बात हमको पता चलेगा 750 सीढ़ी उतरने के बाद। और फन फैक्ट ये है कि जब ये बात पता चलेगा कि वहाँ पे कुछ नहीं है, उसके बाद से हमको वापस यहाँ पे आने के लिए फिर से 750 सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। जब आपको पता है तो आप चढ़ क्यों रहे हो? क्योंकि ये बात मान लो कि वहाँ पे कुछ हो तो मिस हो जाएगा ना। कंफर्म करने के लिए देयर इज ओनली वन वे टू नो, टू गो एंड सी। चना खाएंगे yourself? चना आते टाइम खाएंगे, अभी तो जाते टाइम तो भूख नहीं लगी। यहाँ पे what is this? ये वुडन नाइफ है, ये हनुमान जी की मूर्ति है, ये भी मूर्ति है और ये भी मूर्ति है। इस मूर्ति के जैसे ही वो मूर्ति है, इसलिए उस मूर्ति को इस मूर्ति की प्रतिमूर्ति कही जाएगी। हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को जिंदा करने के लिए कौन सा क्या उठाया था? ढेला नहीं, पहाड़ उठाया था, जड़ी बूटी लाया था, जीवन बूटी लाया था। संजीवनी बूटी, संजीवनी बूटी। हाँ हमारी ट्रेन रात को 9 बजे है, तो हमारे कछुआ का चार्ज चले, खरगोश के चार्ज चले, कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। भैया हाथ से बना रहे हैं। एक बार हाथ में उठाए। हाथ से बना रहे हैं? ठीक है। दोनों हाथ से बना रहे हैं? तो वैसे दोनों हाथ से। ओ क्या है भैया? देखे तुम जरा, बहुत ब्यूटीफुल, ऑसम। इस भैया को देखिए, इन्होंने हाथ से कितनी सुंदर अच्छी चीजें बनाया है। और इधर जय श्री राम। क्या? जय श्री राम। जब भी इधर आए, इस लकड़ी को तलवार को उठा के जरूर दिखाए। आने वाले लोगों का हालत खराब दिख रहा है, जाने वाले मुस्कुराते हुए जा रहे हैं। इसका मतलब है कि बहुत नीचे जाना है। अभी हमको भी आने दो, रुको, ये पूरा एकदम चलेगा स्पीड में, ज्यों च्यों करके। सीढ़ी काउंट कर रही थी, 100 सीढ़ी करके एक काउंट में चढ़ी, फिर 100 स्टार्ट कर दी। इसको वापस चढ़ना भी पड़ेगा, तुमको पता है ना सीढ़ी को। ये लोग रुके हुए हैं तो हमको ऐसा लग रहा है कि जाते हुए तो नहीं रुके हैं, आते हुए थक गए होंगे इसलिए रुके हैं। क्या हम सही हैं कि गलत हैं बताइए? हम सही बता रहे हैं ना? बिल्कुल सही है। चढ़ते हुए ये लोग रुके हैं, जाने का तो बहुत अच्छा से है। सही बात है। उधर सीढ़ियां
सही था जी, इधर का सीढ़ियाँ टेढ़ा टेढ़ा था। अगर स्लीपर और सोच कंफर्टेबल हो तो सीढ़ी चढ़ने में और रास्ते चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होता। इंसान को पैदल चलना चाहिए, पैदल चलना अच्छी बात होती है। कि सीढ़ी पर चढ़ने के लिए पैरों का नहीं चप्पल और जूतों की आवश्यकता पड़ती है। पैर कमजोर हो और जूता बढ़िया हो तो आदमी चढ़ सकता है, इनका कहना ये है। अगर स्लीपर और सोच कंफर्टेबल है तो आदमी को दिक्कत नहीं होता। जैसे मेरा भी स्लीपर बहुत कंफर्टेबल है और मैंने जानबूझ के घूमने के पर्पस से ही लिया है। सही है, सोच में मेरा पैर दर्द होने लगता है। ये एकदम सही लॉजिक है। धीरे धीरे हमको इनके बारे में पता चल रहा है। देखिए मैंने सोच नहीं लिया है, इनके बारे में हमको धीरे धीरे पता चल रहा है। पहले नहीं पता था क्या आपको? हमको यहाँ पे इतना बड़ा जंगल है, शेर और नहीं होते होंगे। तुम्हारे जैसे लोग सारे शेरों को खा चुके होंगे मारकर। तो ये बताइए कि यहाँ पर पॉज हो जाना चाहिए, आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि ऊपर आते टाइम काफी दिक्कत होने वाला है। हमारा नीचे जब पैर उतरने में, जब नीचे जब पैर कांप रहा है बाबू, तो चढ़ने में क्या हालत होगी? और नीचे हम नहीं गिर सकते। जितना चढ़ेगा उतना। नहीं, नीचे और नीचे, बहुत ज्यादा नीचे। जिसका नाम ही फॉल्स है तो नीचे तो गिरना ही पड़ेगा। हम नीचे नहीं जाएंगे सुंदरी। थोड़ा सा नीचे, इतने दूर से आए जो बहुत थक जाइएगा तब। बहुत थक जाइएगा तो फिर तो चढ़ना भी तो है। लग रहा है तो उतरने में ही मेरा पैर कांप रहा है। मेरा सही क्या? पानी गिर रहा है। पानी तो गिर रहा है। कोई बात नहीं, फाइनली हम लोग मंजिल तक पहुंच चुके हैं। अब बहुत टाइम नहीं है। ये मृग मरीचिका है सुंदरी, जितना नजदीक दिख रहा है उतना दूर जाने पर उतना दूर और हो जाएगा, वो दूरी बढ़ती चली जाएगी। मिराज है इसको कि हिंदी में मृग मरीचिका कहते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसा कि ये देख करके और ये देवी बोली है कि चने की खेती हो रही है। मतलब चने को सही है, गजब। आराम से खत्म हो गया। अब सीढ़ी खत्म? हाँ, सीढ़ी थोड़ा दूर तक खत्म। यहाँ की खत्म है, जिंदगी की बाकी है। बंद देखो यहाँ पर सुविधा और संघर्ष का, कि जहाँ पे संघर्ष है वहाँ पे सुविधा नहीं है, जहाँ पे सुविधा है वहाँ पे संघर्ष नहीं। हम लोग का ड्राइवर कह रहा था कि हम लोग नीचे नहीं चढ़ सकते, 750 सीढ़ी है, और हम और मेरे हस्बैंड ने उस चुटकी में 750 सीढ़ी पार कर दिया। हम लोग को क्या समझते हैं लोग? यहाँ पे कोई रामदास पार्क है, देखिए। आपका जो वचन है कैमरे में कैद रहेगा, ऊपर जाते टाइम याद दिलाएंगे कि आप क्या बोली थी। थकावट थोड़ा सा हुआ है, रेस्ट कर करके जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। इस चीज को मिस कर दी होती पता। यहाँ पे कुछ तो है, टायर के ट्यूब्स हैं बहुत सारे, 3x9 होंगे समथिंग, इसमें हवा भरा जा रहा है और उसके ऊपर बांस की खपच्ची लगा करके उसको शायद बोट बनाया गया है एक तरह से, आसपास घूमने के लिए। चलोगी उस पे? नहीं। क्यों? बहुत रिस्क है, नहीं जाएंगे, घर से दूर है। क्या है? बहुत रिस्क है। जाना रिस्की है? हाँ। क्यों? ऐसे है। चलो ना। चश्मा यहाँ रख दिया है पूरी। आओ यार, आराम से आओ। डर लग रहा है? छी जी बोल रहे हो, छी सुनाई दे रहा है।
ज और छ को पृथक करो। हील्स पहने ना? जींस पहने हैं। हील पहने। ज और ह को पृथक करो। पर वो कहाँ पर है? किसका? पकड़ 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 हमको पकड़ो। ढींगिला मत जाना। क्या हुआ? मेरे की डाला लग जाएगी कपड़े। क्या हुआ? मैं घूमने का नीचे कैसे उतरेगी मैं? हाँ डर लग रहा है। डर लग रहा है ना, इसलिए कह रही हूँ। आप नहीं उतरी? नहीं। आपको भी डर लग रहा है? हाँ। कैसे उतरेंगे? बहुत चलना है नीचे। चल। आपको बहुत, आपका बहुत मन कर रहा है तभी, नहीं तो मेरा मन नहीं है। हाँ हाँ तो बोलो, कैसा लग रहा है यहाँ पर आके? हाँ यहाँ आकर कैसा लग रहा है? यहाँ आकर के बोलो कुछ। बहुत मजा आ रहा है, यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है। वहाँ भी जाएंगे ना, राफ्टिंग करेंगे ना, जो भी है। रांची में एक जगह है हुंडरू फॉल्स करके, छोटा सा फॉल्स है लेकिन यहाँ की ब्यूटी इतनी गजब की है ना, शायद वो ब्यूटी फ्रेम में कैद हो पाया नहीं हो पाया, लेकिन अगर आप यहाँ पर लाइव रहेंगे इस लोकेशन पर तो शायद आप वो फील कर पाएंगे जो हम फील कर पा रहे हैं। एक अपना अलग ही ऑरा है यहाँ का, अलग ही इन्वायरमेंट है यहाँ पे। कुछ ही दूर पहले इतनी गर्मी है, वेदर मतलब बिल्कुल डिफरेंट है, और जैसे यहाँ पे पहुँचे सब कुछ ठंडा ठंडा हो। देखते हैं क्या चार्ज करते हैं। वहाँ पे हमको भी जाना है, कलिसी तो मना कर रही है कि नहीं जाना है, डर लग रहा है, बट हम इंसिस्ट कर रहे हैं कि नहीं, यहाँ तक आए हैं तो ये तो करके ही जाना है। तीनों का बोलिए ना 100 रुपया लेने के लिए, तो छोटा है 100 रुपया लीजिए। हम तीनों का 120 और 100 लेने बोलिए। 100 मैं हूँ। अच्छा चलो खड़े हो। बैठा जा, मेरा वीडियो नहीं। यहाँ से खड़ा हो, यहाँ से खड़ा हो, बट ऐसे ड्रामा मत करना बता। ठीक है ठीक है, ड्रामा नहीं करेंगे, तुम बैठो, मेरा वीडियो निकालो ना, यहाँ पे खड़ा हो। नहीं बट के नहीं, व्हाट डू यू से कमांडर, शुड वी स्टाइल द शिप? भाई हंसते हंसते आते तो कितना मजा आता है। डर के आगे जीत है, वो देख रही हो वहाँ पे, वहाँ पे जीत है। मेरा भी वीडियो बना, साइड में मन जीत है। टर्न कर के आप रील बनाइए, रील। अरे नेटवर्क नहीं काम, वो गाना सुनिए ना, साफ से बोल दे। अरे बाप रे, कैसे लग रहा है? अरे दादा, अरे दादा,